हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्लिटिक्स फाइजी में। गाइज, आज हमारे पास में है जियो फोन जो कि है इस बॉक्स के अंदर। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इसका ड्रॉप टेस्ट, यानी कि हम इसको गिराने वाले हैं ऊंचाई से। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि पहले हम इसको गिराएंगे 10 फीट से या फिर 15 फीट से, और अगर फिर भी ये नहीं टूटता है तो हम इसको गिराएंगे 100 फीट से और देखते हैं कि क्या कितना दम है इस फोन के अंदर, क्योंकि भाई जियो ने तो पूरी टेलीकॉम कंपनियों को हिलाकर रखा है। तो देखते हैं इसके फोन के अंदर कितना दम है, कितना झटका ये सह पाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है जब जियो फोन गिरेगा 100 फीट से। तो दोस्तों, यहां पर है हमारा जियो फोन इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर। और दोस्तों, यहां पर इसकी एक फोटो भी बनी हुई है। ये जो बॉक्स है इसको मैंने पहले ही खोल लिया है, एक बार फिर से मैं यहां पर आपको खोल करके दिखा देता हूं। और दोस्तों, यहां पर है हमारा जियो फोन, आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहां लिखा हुआ है जियो। इसके अलावा बॉक्स में दोस्तों है एक चार्जर और एक इस तरह का कुछ पॉकेट। जो चार्जर है वो भी आप देख सकते हैं, अभी पूरा सील है यहां पर। और इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो फोन है ये मुझे मिला है 1500 रुपए में, साथ ही साथ में 153 रुपए की सिम भी मुझे इसके साथ में लेनी पड़ी, तो टोटल हो गया 1653। दोस्तों, अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो यार 1500 रुपए में इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आप अपने आप ही देख लीजिए। इसमें जो है दोस्तों चलता है टीवी, इसमें कनेक्ट होता है वाईफाई, इस फोन के अंदर है फ्रंट कैमरा, और क्या चाहिए भैया 1500 रुपए में। तो दोस्तों, अब जो है पीछे का कैमरा, इसका रियर कैमरा चालू हो गया, और यहां पर हम करते हैं फ्रंट कैमरा चालू, और आपको जो है दिख जाएगा हमारा कैमरा, और कैमरा के पीछे शायद मैं भी आपको दिख रहा हूंगा। तो चलिए फिर इसको गिराते हैं ऊपर से और देखते हैं कि कितना दम है इस फोन में, कितना सेफ पाता है ये फोन। तो गाइज, यहां पर है हमारा जियो फोन जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसको गिराते हैं पहले 10 फीट से और देखते हैं कि जो है क्या होता है। तो ये गया फोन हमारा। आप देख सकते हैं ये जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन कहीं से भी टूटा नहीं है। और इसकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी मुझे कोई भी क्रैक नजर नहीं आ रहा है, और बैटरी वैटरी सब कुछ सेफ है। यहाँ पर जरूर जो है थोड़ा सा इसकी बैटरी का ये उखड़ गया है, आप देख सकते हैं, बाकी कोई खास डैमेज नहीं हुआ। तो अब चलिए इसको गिराते हैं 100 फीट से। तो गाइस, हम आ गए हैं 8th फ्लोर पे हमारे जियो फोन के साथ एक बार फिर से। और दोस्तों, नीचे जो है काफी लोग इकट्ठा हो गए देखने वाले, आप देखिए पूरे हॉस्टल से। तो दोस्तों, ये जो है एक बार फिर से जो है तीन टुकड़ों में खुल गया है, लेकिन दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो अभी तक टूटी नहीं है। आप देखिए इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं है। यहाँ से ये फ़ोन खुल गया है, आप देखिए अंदर की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है। यहाँ से जो बैटरी है वो भी मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी मोटी हो गई है, और इसका जो शेप है वो भी थोड़ा सा बिगड़ गया है। पीछे कवर के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। तो यार मैं कहूँगा इतनी ऊँचाई से गिरने के बाद भी, लगभग 80-90 या 100 फीट जो ऊँचाई थी उसके बाद भी जो फ़ोन है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ से टूटना तो था यार इतना गिरता है तो। तो गाइज, ये है हमारा जियो फोन 100 फीट से गिरने के बाद में। और दोस्तों, इसके ऊपर जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर, इसकी जो बॉडी है यहाँ से खुल गई है, चौड़ी हो गई है, और आप देखिए इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें दिख रही है। और अगर दोस्तों मैं इसको दबाने की कोशिश करता हूँ तो भी ये जो है रुक नहीं रही है, वापस से चौड़ा हो जाता है ये। इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच, कोई रैश या फिर कोई क्रैक वगैरह कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है। अगर डिस्प्ले को देखें तो वो भी बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, वहां पर भी कोई क्रैक वगैरह नहीं है, इसका मतलब डिस्प्ले जो है वो बच गई है। पीछे की ओर देखें दोस्तों, जो सिम है वो बाहर आ गई है थोड़ी सी, अगर हम इसको अंदर डालते हैं तो अब ये जो है अंदर चली गई। इसके अलावा अगर हम इसके देखें बैक कवर को, तो इसके ऊपर भी दोस्तों कोई खास निशान नहीं है, यहाँ पर हल्के फुल्के निशान है, जबकि ये 100 फीट से गिरा था यार, उसके बावजूद इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये एकदम से निकल गया था कवर, और ये तीनों चीज़ें अलग हो गई थी जैसे फ़ोन गिरा था। जो बैटरी है दोस्तों उसके ऊपर भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसका एक जो कोना है वो उड़ गया है, आप देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा मटेरियल उड़ गया है, और बैटरी थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है, अगर आप इसको इस कैमरे में देख सकते हैं थोड़ा सा जो है टेढ़ी हो गई है बैटरी। इसके अलावा ये वाला जो इसका मेजर इम्पैक्ट था, जो जहां पर बड़ा ये हुआ है, यहां पर आप देखिए इसका शेप किस तरीके का हो गया है। और दोस्तों एक चीज मुझे यहां पर और भी पता लगी कि इसकी जो ये बीच वाली पट्टी है ये मेटल की बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए यहां से जब ये मुड़ी है तो अभी ये सीधी नहीं हो रही है। और अब जाकर मुझे ये पता लगा कि भाई जियो फोन में तो मेटल का यूज किया गया है। मुझे पहले लगा था पूरा फोन प्लास्टिक का होगा,
लेकिन इसमें जो है मेटल का यूज किया गया है। तो दोस्तों ये जो बैटरी है अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये फोन चालू हो पाएगा। मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, इसका चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि कुछ इसका जो इंटरनल है वो हो सकता है डैमेज हो गया हो, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो भाई मैंने दबाया पावर बटन को, चालू शायद नहीं होगा। अरे भाई भाई साहब, हमारा जो जियो फोन है वो 100 फीट से गिरने के बाद भी उसकी स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर का आ रहा है कुछ, चालू तो हो गया मतलब। भाई और क्या चाहिए फोन को देखिए आप, फोन खुला हुआ है पूरा यहां से और इधर चल रहा है रिलायंस नहीं जियो डिजिटल लाइफ। तो भाई मान गए यार जियो को, तो देखिए आप यार, फोन 100 फीट से गिरा, यहां से खुला, सारी चीजें बिखर गई और फिर भी जो है डिस्प्ले चालू हो गया, फोन चालू हो गया, स्पीकर चालू हो गया और कोई क्रैक नहीं है डिस्प्ले के ऊपर। तो इसका मतलब एक रफ एंड टफ फोन तो भाई है जियो का यार। 10 फीट तो इसका कुछ भी नहीं था इस हिसाब से, इसके लिए जब ये 100 फीट से कुछ नहीं हुआ तो 10 में तो कुछ नहीं हुआ था। तो दोस्तों जो बैक कवर है वो इसके ऊपर लग गया है, सिर्फ इस हिस्से को छोड़कर जो पीछे वाला पोर्शन है ये पूरा बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है इसलिए ये जो है पूरा बंद नहीं हो रहा है। इसके अलावा पूरा जो है सही से फोन फिक्स हो गया है। लेकिन दोस्तों इस फोन में आ रही है प्रॉब्लम, वो आ रही है इसके कीपैड में। अब मुझे नहीं पता इसका जो कीपैड है वो डैमेज हो गया है या वो टूट गया है या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया है, लेकिन वो जो है सही से काम बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए मैंने दबाया मेन्यू बटन और उसमें आ गया नो, और उसके अलावा कई चीजें आ गई, कॉन्टैक्ट वॉज नॉट एडेड, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। चलिए एक बार कोशिश करता हूँ इसका कैमरा खोलने की, लेकिन यार मेन्यू काम नहीं कर रहा तो कैमरा कैसे खोलेंगे। अब बैक बटन भी काम नहीं कर रहा, तो भाई इस फोन में कुछ भी हो रहा है, इसका जो कीपैड है वो खराब हो गया है। तो मुझे नहीं लगता अब ये फोन जो है किसी काम का रहेगा। और अभी जो है कॉन्टैक्ट भी खुला था, कॉन्टैक्ट नहीं कॉल लॉक खुला था, शायद कॉल लॉक खुल गया है, कॉल लॉक खुल रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है काम कर रही हैं कुछ चीज़ें नहीं कर रही हैं। मैं इसका वाईफाई खोलने की कोशिश करता हूँ जो कि इस बटन से खुलता है, सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन देखिए ये भी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसको थोड़ा ज़ोर से दबाने पे काम करे ये, नहीं भाई नो अलर्ट्स आ गया यार, अलर्ट आ जाता है, क्या बात है, नहीं कर रहा काम, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और भाई कैमरा खुल गया। मुझे लगता है ये बटन जो है कैमरा का शॉर्टकट है, और भाई जो कैमरा है ना वो तो काम कर रहा है यार, आप देखिए यहाँ पर फ्रंट कैमरा, लेकिन अब ये नीचे वाला बटन काम नहीं कर रहा तो फ्रंट कैमरा हम ऑन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जो ऑप्शन है ना फ्रंट कैमरा का, इसके लिए हमको नीचे का बटन दबाना पड़ेगा। अरे यार कुछ भी काम कर रहा है, मतलब कुछ खोल रहे हैं और कुछ भी खुल रहा है। ये वाला जो कीपैड है उसके अलावा पूरा फोन सही है, कैमरा भी चालू हो गया और जो फोन है उसके ऊपर सिर्फ एक इम्पैक्ट है। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें इस फोन को काट के देखना चाहिए इसके अंदर? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दिखा दूंगा इस फोन को काट करके इस मशीन की हेल्प से जो कि है हमारे पास में यहाँ पर। ये मशीन जो है सब कुछ काट देती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्रेड XYZ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।